हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मायसेल्फ दीपक जाजू, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं जेई मेंस के सॉल्यूशंस का कैलकुलस पोर्शंस 24 जनवरी 2023। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सब समझ में आएगी, जिससे आपको फ्यूचर में भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो अपने विदाउट टाइम लॉस्ट किए बगैर अपने सारा क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेट स्टार्ट अवर वीडियोज विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सेम क्वेश्चन अपनी क्लासरूम से रिपीट किया, अपने बुकलेट से और अपने नोट से, सेम टू सेम। ये हमने टिक भी कराया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वो आया भी। देखें कि क्या दिया है। एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो पर जीरो। ओके, देन एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशियबल, एफ एंड एफ डैश बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एफ डैश नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड लाइक दिस। तो जब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की अपने बात करते हैं तो नॉर्मली अपने क्या सोचते हैं कि अपने सबसे पहले अगर दोनों बातों के बारे में ऑप्शन में पूछा गया है तो हम हमेशा बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, क्योंकि अगर फंक्शन पहले डिफरेंशियबल हो गया किसी पॉइंट पर तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो अपने चेक करते हैं जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा, क्लियर है सबको, एलएचडी एंड आरएचडी। तो पहला सिंपल काम करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो माइनस, फॉर्मूला रहता है सबको पता है, एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, जीरो पर वैल्यू आपकी जीरो है तो पुट करने का कोई मतलब नहीं। जीरो माइनस एच यहां पुट करेंगे तो माइनस एच का स्क्वायर आएगा एच स्क्वायर साइन में वन बाई माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस माइनस प्लस एच साइन वन बाई एच, वेयर एच अप्रोचिंग टू जीरो। एच अप्रोचिंग टू जीरो ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन जीरो पर क्या कर रहा है, एंगल इनफाइनाइट है, ये ऑसिलेटिंग नंबर है माइनस वन से वन के बीच का, उसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी, जीरो। सिमिलर वे में राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फॉर्मूला रहेगा एफ डैश जीरो प्लस, सिंपल वे में एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच, वेयर एच अप्रोचिंग टू जीरो। सिमिलर जीरो प्लस एच पुट करेंगे फंक्शन में तो फंक्शन आएगा एच स्क्वायर साइन वन बाई एच अपॉन एच, एफ जीरो तो जीरो ही है, एच से एच कैंसिल, एच साइन वन बाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो दिस नंबर इज इक्वल टू जीरो, और ये अप्रोचिंग टू जीरो है, ये ऑसिलेटिंग नंबर है, ऑसिलेटिंग नंबर माइनस वन से वन मल्टीप्लाई बाई जीरो, वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर फंक्शन ध्यान से देखो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में कंटिन्यूअस लिखा है वो होगा। तो f एंड f डैश बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि ये डिफरेंशियबल हो चुका है तो एक तो रॉन्ग हो ही गया, बाकी सब में f का कंटिन्यूअस है नॉट डिफरेंशियबल, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब बचा दो ऑप्शन, तो इसके लिए ध्यान से देखो इन दोनों में मिस्टेक क्या है, नॉट डिफरेंशियबल, जबकि अपना फंक्शन आ चुका है डिफरेंशियबल। अब हम क्या करते हैं, f डैश फाइंड करते हैं सिंपल वे में। f डैश देखोगे तो क्या आएगा, और दोनों ऑप्शन ध्यान से देखो डिफरेंशिएट कैसे होंगे, f डैश की आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, f तो चेक कर सकते हो कंटिन्यूअस आ चुका है, तो डेरिवेटिव करते हैं, x स्क्वायर का आएगा 2x sin 1 by x, sin का आएगा cos 1 by x का minus 1 by x स्क्वायर, सिंपल x स्क्वायर कट गया, x नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो पर इसका डेरिवेटिव यहां पे हमने फाइंड कर लिया है कि लेफ्ट राइट डेरिवेटिव दोनों आपके जीरो आ चुके हैं, दिया गया। क्वेश्चन कहता है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, वही आपका दोनों में से ऑप्शन होगा, सिंपल। तो x टेंडिंग टू जीरो 2x साइन 1 बाई एक्स, लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट की वैल्यू को अगर इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी, तो हम इस फंक्शन की जीरो पर लेने जा रहे हैं लिमिट,
तो जी अभी ध्यान से देखो, सिमिलर काम हमने यहां किया था, एच साइन वन बाई एच जीरो हो गया था, ये भी जीरो पर देखो, जीरो इंटू ऑसिलेटिंग नंबर, ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो चलो इसको तो जीरो लिख दें, बचेगा क्या, कोस वन बाई एक्स, जो माइनस वन से वन में ऑसिलेट करता रहेगा, और इसकी वैल्यू हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आंसर होगा डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा था, ये भी ऑसिलेट कर रहा था, पर जीरो से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया, जीरो। तो सिंपल, इसका मतलब है एफ इज कंटिन्यूअस, बस एफ डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। पुराना क्वेश्चन है, आईटी में आया था पहले, और बहुत पहले से चला आ रहा है, रिपीट हुआ, वेरी इजी क्वेश्चन। कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि उसका डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव 2x भी कंटिन्यूअस होगा, पर यहां ऐसा जरूरी नहीं है। पहला ऑप्शन, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर दिस वाई हाफ इज इक्वल टू ये। सिंपल ट्राई किया जाए, dx से डिवाइड कर लेते हैं और एक्स क्यूब से भी डिवाइड कर लिया जाए, तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या नजर आ रहा है, dy by dx, x क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y अपॉन x स्क्वायर, राइट साइड में आएगा 1 by x क्यूब। सिंपल, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए मदद लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, e की पावर p, p dx का इंटीग्रेशन, p कौन है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 1 बाई एक्स। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं बोलता जा रहा हूं, फॉर्मूला सबको आपको रिकॉल करना है, इंटू वन बाई एक्स क्यूब, इसे क्यू एक्स बोला गया फॉर्मूले में, प्लस सम कांस्टेंट सी, ई की माइनस, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सा काम करते हैं, माइनस साइड में लिख देता हूं, माइनस वन बाई एक्स को हम टी ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। सिंपल, अगर मैं इसको t ले लेता हूं तो e की पावर t, एक 1 बाई एक्स यहां पर बचेगा, उस 1 बाई एक्स को माइनस टी लिखा जा सकता है, तो दिस नंबर इज माइनस टी। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मैंने क्लास में भी आपको बताया था और वैसे भी आपको ध्यान से है, और ये है कौन फंक्शन फर्स्ट, ये कौन है सेकेंड, सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेकेंड मिला के, तो फटाफट किया जा सकता है, ईजी है, सब कर पाएंगे। e की पावर t, t माइनस वन प्लस सी, टी माना किसे था, माइनस वन बाई एक्स, तो हम इसको यहां पुट कर लेते, तो फाइनल ये आ जा रहा है y e की पावर माइनस वन बाई एक्स, टी को अगर मैं माइनस वन बाई एक्स लिख दूं तो e की पावर में माइनस वन बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन, एक्स टी को मैं लिख दे जा रहा हूं माइनस वन बाई एक्स, तो सॉरी ये अपना आ जाएगा क्या, सिंपल वन अपॉन एक्स और माइनस यहां आके प्लस हो गया, यहां मैंने माइनस वन बाई एक्स लिख दिया, माइनस माइनस प्लस। सी ढूंढने के लिए डाटा दिया है वाई हाफ इज इक्वल टू थ्री माइनस ई, तो वाई की वैल्यू पुट कर देता हूं थ्री माइनस ई, और यहां पावर में हाफ लिखूंगा तो ये वन बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, हाफ लिखूंगा तो ये वन बाई ई स्क्वायर हो गया, और y हाफ लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3। यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, c का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई ई, क्लियरली c का वैल्यू आ गया माइनस वन बाई ई, ये वैल्यू पुट कर दी जाए यहां पर, तो y की फाइनल वैल्यू आपकी नजर आ रही है 1 बाई एक्स प्लस वन, सी सी का वैल्यू है माइनस वन बाई ई, e का पावर माइनस वन बाई एक्स से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा e का पावर वन बाई एक्स। देखा जाए क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है y1 क्या होगा, तो वैल्यू वन पुट कर दी जाए, वन प्लस वन टू, ये है वन बाई ई, वन पुट करेंगे e, टू माइनस वन, वैल्यू कितनी वन,
सिंपल क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चंस थे, कॉमन क्वेश्चन जो नॉर्मली प्रैक्टिस कराई जाती है हम लोग की क्लास में, बुकलेट से रिपीट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, सिमिलर क्वेश्चन, हम सेम क्वेश्चन इनइक्वालिटी की फॉर्म में ये था बुकलेट में हमारे। तो लेट अस स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स, ग्रेटेस्ट एक्स डिनोट्स जी आई एफ। तो क्या सॉल्यूशन होगा, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। वेरी इजी क्वेश्चन है, सबने ट्राई भी किया होगा। ये देखो ये एक साथ ले लेते हैं और इन तीनों के एक फैक्टर कर लेते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ये टर्म बचेगा आपका और ये टर्म बचेगा, इन दोनों को एक साथ ले लिया जाए और कॉमन आ रहा है क्या, ग्रेटेस्ट एक्स वन माइनस एक्स। सिंपल हो, दिखने में बढ़िया क्वेश्चन, करने में वेरी इजी, वन मिनट शो था ये पेपर में। एक्स माइनस वन आपका कॉमन आ गया, क्या बचा एक्स माइनस थ्री, और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट एक्स। ये नॉर्मल ब्रैकेट है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, यहां से क्लियर कट है कि एक इसको जीरो करेंगे, या तो ये जीरो या ये जीरो, इसको जीरो करेंगे तो एक्स का एक वैल्यू थ्री वन नजर आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, इसको देखें क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन एक्स, फ्रैक्शन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई थ्री, और आप जानते हो फ्रैक्शन होता है कहां से कहां तक, जीरो से वन बर्बाद, क्योंकि फ्रैक्शन एक्स कभी थ्री होने का कोई चांस नहीं। तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन आया है, और देखें वो कौन सा है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इन माइनस इंफिनिटी से वन, रॉन्ग, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, रॉन्ग, अपने आप ही पहला सही हो गया, यूनिक सॉल्यूशन इन दिस, क्योंकि वन जो आएगा वो ऑल रियल वैल्यू में से कोई ना कोई तो आएगा ही। गुड, लेट्स मूव ऑन। एरिया प्रॉब्लम, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वाई वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू। ओके, तो दो, एक पैराबोला नजर आ रहा है, एक मेरे को स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। तो पहली कोशिश हम करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए दो कर्व का फिगर बनाने की और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने की। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर हम फाइंड करते हैं तो यहां से देखो ध्यान से, 2x का वैल्यू आपका आ रहा है क्लियरली y माइनस टू। मैं यहां पुट करके कोशिश करता हूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढने की। तो 2 इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8। यहां से क्लियरली है y के दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, माइनस 4 और 2। y की वैल्यू अगर 2 मैं यहां रख देता हूं तो x का वैल्यू आ रहा है 0, और y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 0, और y अगर मैं माइनस 4 पुट कर देता हूं तो x का जो वैल्यू आएगा 4 पुट माइनस 4 पुट करेंगे माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। तो ये आ गया, आप इसमें भी पुट कर सकते थे पैराबोला में, इजी स्ट्रेट लाइन में पुट करके पॉइंट ढूंढना होगा। तो अब हम कोशिश करते हैं इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ बनाने की। ये पैराबोला है, इसका क्लियरली अगर आप इसे ढंग से लिख लेते हो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एक्स। इसका जो वर्टेक्स है क्लियरली 1 0 पे है, और 1 0 पर अगर इसका वर्टेक्स बनाया जाए, और ये है राइट साइड वाला पैराबोला। अब स्ट्रेट लाइन बनाना बड़ा इजी है, स्ट्रेट लाइन बनती है दो पॉइंट को मिलाने पर, और हमने उस पर ऑलरेडी ये पॉइंट फाइंड कर लिया है कि जैसे y का वैल्यू आप माइनस 4 पुट कर रहे हो और x का वैल्यू माइनस 3 पुट कर रहे हो, और आपका वैल्यू क्लियरली है कि वो 2 आ रहा है। तो ये पॉइंट एक थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा, माइनस 3 माइनस 4, और ये पॉइंट आप ध्यान से देखो 0 पर कितना है 2। ये आ गया, ध्यान से देखो दोनों से बाउंडेड एरिया क्लियरली ये नजर आ रहा है। अब एक मैंने आपको क्लास में भी हिंट दिया था कि इसका एरिया ढूंढने के लिए कई लोग कंफ्यूज होने लगते हैं कि इसको अलग ढूंढते हैं इसको अलग ढूंढते हैं, आपको इसको फील ऐसे करना है y के अलोंग कि ये है राइट कर्व, ये है लेफ्ट कर्व, और इस पूरे कर्व को इसने ढक लिया, इस लाइन को इसने ढक लिया है, इसका मतलब ये राइट है ये क्या है लेफ्ट। आपको क्या करना है,
इसको y एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट करना है। हिंट कैसे पता लगेगा, मुझे देखते ही समझ में आ गया था। कैसे, देखो x को y में लिखना इजी हो तो याद रखो y में एरिया भी आसान होगा, y को x में लिखना इजी हो तो एरिया x में आसान होगा। ये ट्रिक भी होती है। तो x का वैल्यू y के टर्म में यहां से मैं ढूंढना चाहूं तो ये राइट कर्व है और लिमिट है y की लिमिट कहां से कहां तक है, ध्यान से देखो, एक वैल्यू -4 एक वैल्यू 2। ओके, x की वैल्यू अगर y में लिखूंगा तो ये आएगा बेटा 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना 4 इस कर माइनस x का वैल्यू y में लिखेंगे तो y माइनस 2/2 और ये इंटीग्रेशन है y का वैल्यू है -4 से 2। ओके, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, -4 से 2 तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 वाला टर्म और ये सब तो कैंसिल ही हो जाएंगे सिंपल वे में, और x का वैल्यू कितना है y माइनस 2/2। ओके, y माइनस 2/2 और वहां पर आएगा x का वैल्यू y² - 4। ओके, यहां माइनस यहां प्लस। अब ध्यान से देखो ये y² / 4 बच रहा है सिंपल और ये आ रहा है y/2 और ये -4/4 1 और ये 1 कैंसिल। आप इसको सिंपल वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं, मुझे बताने के लिए वीडियो में टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं, आंसर इसको कैलकुलेट करो 9 आ जाएगा। सिंपल एक्स पावर एन का फॉर्मूला है, इस पर अपने आगे ज़्यादा टाइम नहीं किल करते हैं, इसका इंटीग्रेशन समझाने में आधा घंटा हम खराब करें ये सब जानते हो। ठीक है, चलते हैं फिर थोड़ा सा और आगे। क्लास का सेम टू सेम बुकलेट का नोट्स का क्वेश्चन जिसका मेरे सारे स्टूडेंट को आंसर याद था। फॉर्म है, ध्यान से देखो, टी को जीरो रखो तो ये जीरो, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और पावर अगर इन्फिनिटी है तो वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी और पावर में जीरो। फॉर्म है इन्फिनिटी की पावर जीरो। सिंपल सी स्पेशल ट्रिक कॉमन आती है, अंदर से क्या करते हैं सबसे बड़ा नंबर कॉमन ले लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या नजर आएगा, अगर मैं एन की पावर 1/sin²t कॉमन ले लूं तो sin²t से sin²t कट गया, वैल्यू कितनी एन, अंदर आएगा 1/n पावर में 1/sin² को क्या cosec² लिख सकते हैं सिंपल। ऐसे दूसरा टर्म आएगा 2/n cosec², तीसरा लास्ट में आएगा 1 पावर में आएगा sin²t, टी टेंडिंग टू कितना 0। अब अक्कल लगाओ, एक से छोटा नंबर cosec 0 होता है इन्फिनिटी, पावर इन्फिनिटी, वैल्यू क्या होगी 0। एक से छोटा नंबर पावर इन्फिनिटी, वैल्यू क्या होगी 0। ऐसे सब 0 हो जाएंगे, लास्ट में 1 बचेगा। साइन 0 कितना होता है 0, 1 का पावर 0 कितना 1, वैल्यू कितनी n। सीधा सा याद रखो, जो कॉमन लेते हैं वही आंसर है, आंसर है कौन n, सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बुकलेट से, ये भी सेम, नेक्स्ट वाला भी सेम। आपको जिसने ये पेपर जिसकी किस्मत में होगा उसको सारा क्वेश्चंस मेरा करवाया हुआ आया था। ये है किंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, सब जानते हो इंटीग्रेशन को i मानेंगे और x इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस एक्स, 0 से a fx dx, और मेरे बच्चे तो सारे जानते हैं कि मैंने इसका आंसर याद ही करा दिया था क्लास के पहले, π/4 रटवाया था, 3 आंसर रटवाए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, 0, π/4, वेरी इजी, x इज रिप्लेस्ड बाय π/2 माइनस x। फिलहाल किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपर लिमिट माइनस x, x की जगह पुट कर देते हैं, कई चाहेंगे पूरा सोल्व करें तो पूरा सीख लेते हैं। 0 से π/2 माइनस एक्स, इन्हीं चीजों को कुछ लोगों ने 15-15 मिनट में सोल्व किया है, तो 15 मिनट अगर सरी लगा देंगे तो आप क्या करोगे, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम किल नहीं करता बच्चों का। π/2 माइनस एक्स यहां लिखेंगे तो ये बन गया cos²2023, ये आ गया साइन पावर, मैंने क्लास में भी इसको एस और सी करके बताया था ताकि टाइम लॉस ना हो, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता।
दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ध्यान से देखो अंदर केवल dx बच रहा है, पर 8 अपॉन पाई इसने एक्स्ट्रा दिया, नो प्रॉब्लम। dx का इंटीग्रेशन कोई बोलने की जरूरत नहीं, 8 अपॉन पाई इंटू कितना पाई बाय 2, दिस वैल्यू कैंसिल आउट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना 4, तो दिस वैल्यू 4, यानी आई का वैल्यू आ गया कितना, इसको पाई सॉरी सही है, आई का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आंसर आपका कितना था 2। तो क्लियर है सबको, बहुत सिंपल, वेरी इजी, सबको आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेरी इजी नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम क्वेश्चन बुकलेट से, चाहे तो मैं आपका प्रूफ दिखा सकता हूं, आप चाहो तो मेरी कोचिंग में L1 कोचिंग में आके आप देख भी सकते हैं। मोड हटाने का क्वेश्चन है, और देखो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जिसमें मोड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपको एक सिंपल सा समझने की जरूरत है यहां पर कि मोड वही हटेगा जहां पर वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन अंदर वाला, ये वाला फंक्शन। तो क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इंटीग्रेशन उसका होना पॉसिबल नहीं है। तो ये मोड कहां हटेगा? तो ये जहां मोड जीरो होता है ग्राफ में वहीं वो शार्प कॉर्नर देता है, तो उन्हीं पॉइंट्स पर मोड को हटाना है। तो नॉर्मल वे में सोचा जाए तो क्रिटिकल पॉइंट आपके 1 और कौन है 3, 1 और कौन है 2, इसको जीरो करके देखो तो ये जो फंक्शन आपका नजर आएगा ये 1 और 2 पर आपका क्या होगा, जीरो, इसके फैक्टर हैं ये। साइन स्कीम की मदद से हम इस मोड का साइन भी चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, यानी 1 से कम में अगर मैं ये मोड हटाऊंगा तो माइन प्लस लगेगा, 2 से ज्यादा में प्लस, 1 से 2 में क्या होगा माइनस। करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, जिन पॉइंट्स पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है वो पॉइंट क्लियरली दिख जा रहे हैं 1 एंड 2, उन पॉइंट्स पर मोड में ग्राफ में क्या होगी, शार्प एज, तो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। उन पॉइंट्स पर इंटीग्रेशन को हमें ब्रेक कर लेना है, और वो क्या है ध्यान से देखो, 12 इंटू, पहला ब्रेकिंग 0 से 1, 0 से 1 में देख सकते हो साइन प्लस ही होगा, साइन स्कीम आपका मोड का साइन, अगर ये प्लस है तो मोड हटने पर भी प्लस होगा, ये माइनस है तो मोड हटने पर माइनस होगा। तो 0 से 1 x² - 3x + 2, सिंपल। दूसरा 1 से 2 में इसका साइन माइनस होगा, 1 से 2 x² - 3x + 2, और 2 से 3 में देखोगे तो x² - 3x + 2 पॉजिटिव होगा, सिंपल। कहो तो पूरा सॉल्व कर देता हूं, नहीं तो डायरेक्ट भी बता देंगे, चलो इजी है बता देते हैं। इंटीग्रेट किया जाए, x³/3 - 3x² / 2 + 2x, 0 से 1 सेम, x³/3 - 3x² / 2 + 2x, 1 से 2, लास्ट आएगा सिमिलर 2 से 3, वही लिखना है बार बार, 12 इंटू, पहला टर्म तो बहुत सिंपल है 1 लिख देंगे, 1/3 - 3/2 + 2, तो ये 1/3 + ½ बचेगा, माइनस 2 लिखने पर जो वैल्यू आएगी आप ध्यान से देखो, और 1 लिखने पर जो वैल्यू आएगी वो माइनस माइनस प्लस हो के यहां ट्वाइस कर सकते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस माइनस ये टर्म कितनी बार, 2 बार। 2 लिखने पर क्या आएगा, ये आएगा 8/3, ये आएगा 2 लिखने पर -6 + 4, 2 - 12/6, और यहां भी देख सकते हो कि 2 लिखने वाली वैल्यू जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो 2 वाली वैल्यू 2 बार आएगी, एक बार यहां पर एक बार यहां पर, तो यही ट्वाइस कर दो, 2 बार क्यों मेहनत की जाए। 3 लिखने पर यह क्या दे रहा है, ये लिख लेते हैं, ये दे रहा है 27, 3 लिखने पर यह दे रहा है 6, 3 लिखने पर यह 27/2, सिंपल मल्टीप्लाई बाय, देखो गलती से 12 रह जाता है, ये आएगा कितना 1/5/6,
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 बाई 3। ये टर्म आप देख सकते हो माइनस 2 आ रहा है, और 8 बाई 3 माइनस 2 करेंगे तो ये आपका आ गया कितना, 8 बाई 3 माइनस 2 माइनस 6, तो ये 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 3, सिंपल। लास्ट टर्म आपका कितना आ रहा है, 27, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, 27 बाई 3 माइनस कितना आ जाएगा, 27 बाई 2, तो ये आ गया, सॉरी देखो मिस्टेक हो गया ना, ये कितना आएगा 9, तो 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इंटू 2, और ये भी टर्म हमने सही लिखा है, 3 लिखने पर 6 सही है, परफेक्ट है, ये भी आपका परफेक्ट है, 15 बाई, ये 3 बाई 2 आएगा, सिंपल। 12 इंटू 10 माइनस 4 6 बाई 3, दिस नंबर इज 2, 3 बाई 2, 2 बाई 3। तो इस तरीके से आप चेक करो, इसका ओवरऑल आंसर आपका फाइनली आपका आ जाता है 22, ठीक है, वेरी इजी। तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, आप ट्राई भी कर लेना, 22, वेरी इजी क्वेश्चन, हार्ड भी नहीं था और सबके बनने के लिए इजी क्वेश्चन था, तो ये सब ट्राई कर भी सकते हो आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्लास में ऐसा क्वेश्चन हमने ग्राफ में कराया था, कई तरीके से ग्राफ से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लेट द इक्वेशन ई इज दिस, देन लार्जेस्ट एलिमेंट इन सेट ए वेयर एक्स प्लस लैम्डा, एक्स इज एन इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ ई इज, कि भैया इसकी एक्स प्लस लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो कई तरीके से कर सकते हैं, हमने आसान तरीका लगाते हैं, पहले हम कोशिश करते हैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने का। तो एक आसान तरीका हम सोच सकते हैं यहां पर कि ये एक्स में देख सकते हो क्वाड्रेटिक है, और इसके रूट्स रियल आएंगे तभी एक्स रियल आएगा, फर्स्ट केस। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, क्यों ना हम एक आसान तरीका फॉलो करें, इसको मोड एक्स में क्वाड्रेटिक मानते हुए श्री धराचार्य लगा देते हैं। श्री धराचार्य लगाएंगे तो मोड एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है देख लिया जाए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। तो यहां से मॉड एक्स का क्लियर कट वैल्यू आ रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 का मॉड। एक चीज तो सबको क्लियर है कि ये प्लस साइन होगा तभी एक्स का वैल्यू मैक्स आ सकता है, एक सिंपल सी बात है, और एक्स का वैल्यू अगर प्लस हो तो हम एक सिंपल सोचते हैं कि रूट में पॉजिटिव ले लें, रूट में क्या ले लें, पॉजिटिव। पहले हम सोचते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या मिनिमम मैक्सिमम हो सकती है, तो रूट में पॉजिटिव लेना और डी ग्रेटर करना एक ही बात है, क्योंकि रूट ही में डी होता है। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से लैम्डा माइनस 3 का जो मॉड आएगा लेस देन इक्वल टू 1, और लैम्डा माइनस 3 आएगा माइनस 1 से 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 4 आ गई और 2 आ गई। ये काम आप ग्राफ से भी कर सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल हम सिंपल फॉलो कर रहे हैं। हम एक छोटा सा काम करते हैं, एक सिंपल सी बात सब सोच सकते हो आसानी से, कि अगर ये 1 प्लस लिख दूं और 1 में से कुछ भी माइनस ना करूं तो x का वैल्यू मैक्सिमम नजर आ सकता है। तो मैं कह रहा हूं लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 3 चूज कर लेता हूं, जो कि डोमेन के अंदर भी है लैम्डा के, उस वैल्यू पर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो मैक्स 1 में से कम माइनस करना पड़ेगा, और मॉड की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो ये मैक्सिमम आएगा कितना 1, लैम्डा 3 रखो ये कितना 1, और 1 और 1 मिलके एक्स का वैल्यू कितना मैक्सिमम 3। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का वैल्यू कितना, सॉरी 2, 1 प्लस 1 कितना 2, तो एक्स प्लस लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू यहां से फाइंड की जा सकती है, एक्स मैक्सिमम भी मिल जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया और यहां प्लस साइन ले रहा हूं, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस 1 कितनी नजर आएगी 2, तो ये आ गया 2, लैम्डा आ गया आपका कितना 3, सॉल्यूशन कितना 5, सिंपल। तो ये था सिंपल कैलकुलस पोर्शन, एक बार ओवरव्यू किया जाए तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इसने इसकी मैक्सिमम करके क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया, वरना ये नॉर्मली हर जगह मिल जाता है।
ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा ही दिया 22 आंसर वाला, बहुत सिंपल, मोड हटाने वाला, ये मैंने क्लास में कराता हूं। ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं हमेशा कहता हूं प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेट इंटीग्रल में। लिमिट का क्लास का क्वेश्चन, कॉमन लेने वाला, एरिया का सिंपल, इनइक्वालिटी का बहुत सिंपल, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये मोस्ट 90% चांस इसी के आने का है, सबको पता है। और ये तो क्लास का कॉमन क्वेश्चन, ये जेई मेंस वालों का साइन वाला काफी पॉपुलर है। तो मिलेंगे ऐसे और कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसको देखो, कुछ लर्निंग गेन करो, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे आके मिलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।